नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट ज्ञान। आप देख रहे हैं टेक ज्ञान। जैसा आपको मेरे सामने दिख रहा होगा, अल्फा का कैमरा है। इट्स ए न्यू मॉडल है, इनफैक्ट पहले आ चुका, लॉन्च हुआ है, फिर बीच में प्रोडक्शन बंद हो गई थी ड्यू टू चिप की शॉर्टेज के वजह से। बहुत हाईली डिमांडेड कैमरा है ये, ब्लॉगर यूट्यूबर के लिए कम्प्लीट पैकेज है। इस कैमरा का सबसे बड़ा खूबी है, इट्स ए पॉकेट फ्रेंडली है, आप जस्ट पॉकेट में रख सकते हैं, विदाउट लेंस आपके पॉकेट में घुस जाता है। प्रोफेशनल कैमरा है, अल्टीमेट परफॉर्मेंस के साथ, जिसको आप पॉकेट में डाल सकते हैं, ऐसा कोई कैमरा नहीं आता इतनी जबरदस्त साइज के साथ में है। 24.2 मेगापिक्सल कैमरा है, ये 4K वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए है। 4K में 130 Mbps करता है, फुल HD जाएंगे तो आपको 120 सपोर्टेड है। तो बहुत सारी खूबी खाबियों के साथ है। इनफैक्ट इसको आप स्ट्रीमिंग, जिनको क्लासेस लेते हैं, ऑनलाइन क्लासेस रखते हैं, उनके लिए भी अल्टीमेट है। इसको वेब कैमरा की तरह आप अपने PC में कनेक्ट करके या लैपटॉप में स्ट्रीमिंग यूज कर सकते हैं। जो ऑनलाइन रहते हैं उनके लिए भी ये कैमरा है, उनके लिए भी रिक्वायरमेंट पूरी करता है। तो बहुत सारी खूबियों के साथ ये प्रोडक्ट है। गाइस मेरे साथ मेरे इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको लाइव एंड स्ट्रीमिंग कैसे कनेक्ट करते हैं, क्या उस कनेक्टिविटी है वो बताने वाला हूं, एंड लाइव शूट करके आपको वीडियो एंड इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो दिखाने वाले हैं। तो सर मेरे साथ बने रहिए, आगे बढ़ते हैं। गाइस बिफोर अनबॉक्सिंग के पहले थोड़ा कॉन्फेशन आपको बता देते हैं, बिकॉज कॉन्फेशन आप जानना चाह रहे होंगे। ये 24.2 मेगापिक्सल कैमरा है, इसके साथ में 4K HDR के साथ आता है। इसमें दो वेरिएंट में आता है, एक विदाउट लेंस, एक लेंस के साथ 1650 के साथ आता है। इंटरचेंजेबल लेंस है, इसके अंदर में आप कोई भी लेंस जो ई माउंटेड है उसमें एड ऑन कर सकते हैं। ये क्रॉप सेंसर के साथ में है, APS-C क्रॉप सेंसर के साथ में आता है। काफी अच्छी क्लियरिटी के साथ ये कैमरा है, इसके अंदर में AV नहीं है। और सो गाइस ये बहुत कॉम्पैक्ट साइज है, इसके वजह से जो आपको AV लगा रहता है रियल टाइम आईज के साथ में, जो आप देख के फोटोग्राफ है, वो चीजें नहीं है के वजह से इसका जो पैनल है, जो स्क्रीन है, वो काफी हाई क्वालिटी का दिया हुआ, आपको रियल इमेज दिखता है। और इनफैक्ट आप आउटडोर हो इंडोर हो, आपको क्लियरिटी के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं दिखेगा, आपको एक्चुअलिटी दिखने की। सो गाइस बिफोर अनबॉक्सिंग आपको कुछ कॉन्फेशन डिटेल भी कर देता हूँ, सो दैट कि आप कॉन्फेशन जानना चाहते होंगे। ये कैमरा 24.2 मेगापिक्सल के साथ आता है, 4K HDR के अंदर में कॉन्फेशन है रिकॉर्ड करने के लिए। इसमें AV नहीं है, जिसमें ऑटो आई फोकस करके आप रियल टाइम देखते हैं, उसके जगह पे इसका जो टिल्बल स्क्रीन है वो काफी हाई क्वालिटी का है। आउटडोर इंडोर दोनों में स्क्रीन बहुत क्लियरिटी के साथ दिखता है, बिकॉज ये ब्लॉगर कई बार अकेले ही यूज करना पड़ता है। उसमें टिल्बल लेंस है जो आप पलट के देख सकते हैं, हालांकि करके मैं दिखाऊंगा आपको। में आप जो स्क्रीन दिया हुआ है काफी हाई क्वालिटी का है, इंटरचेंजेबल लेंस यूज कर सकते हैं, इसमें लेंस जो है चेंज हो सकती है। ई माउंट की लेंस कोई भी बड़ी स्क्रीन भी वाली, बड़ी साइज वाली जूम लेंस भी डाल सकते हैं इसके अंदर में। ये दो वेरियंट में आता है, आपका JV10 जो विदाउट लेंस है, क्योंकि आपके पास अगर ई माउंट पहले से कोई लेंस है उसको एड ऑन कर सकते हैं, और JV E10L आता है। L मॉडल के अंदर में आप 1650 लेंस के साथ आता है, वो परचेस करते हैं। दो वेरिएंट मार्केट में अवेलेबल है, नियर अबाउट 60 और 70 का MRP है। सेल प्राइस समथिंग डिफरेंट रहता है, जो आपको 50 to 62 के नियर अबाउट में मिल जाता है ये प्रोडक्ट जो है। सो काफी जबरदस्त प्राइसिंग के साथ ये प्रोडक्ट आता है। सो गाइज अनबॉक्स करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो गाइज मेरा एक्साइटमेंट जबरदस्त है, ये आपको जैसा मार्केट का रिव्यू है, ये ऑल इन वन है, इनफैक्ट बड़े बड़े कैमरों का छक्का छुड़ाने वाला प्रोडक्ट है, ऐसा रिव्यू में लोग बोलते हैं कि ये कंप्लीट अपने आप में एक पैकेज है। आपको कोई भी कैमरा, कोई माइक, इसके अलावा कोई एक्सेसरी लेने की जरूरत नहीं पड़ती। सो अनबॉक्स करते हैं गाइस, क्या क्या इसके साथ आती है चेक करते हैं एक बार। गाइस जैसा आप दिख रहा होगा, 64 GB की एक मेमोरी कार्ड है, वारंटी पेपर है एंड डॉक्यूमेंट है, कुछ आपको यूजर मैनुअल है। वारंटी पेपर आपको ढंग से रखना है, क्योंकि ये 2 साल वारंटी के साथ आती है प्रोडक्ट जो है। रजिस्टर्ड करेंगे आप नेट के ऊपर में, कुछ और भी आपको चीजें कूपन सारी चीजें फ्री मिलती हैं, तो बाद में आएंगे, एक बार चेक कर लेते हैं। ये बैग है गाइस, इसके साथ में कैरी बैग फ्री है। बहुत सारा ब्रांड अभी आज के दिन में बैग नहीं दे रहा है, लेकिन सोनी बैग भी दे रहा है साथ में। चिप है आपको कैमरा में लगाने के लिए, बैटरी है साथ में, चार्जर है, चार्जर केबल है, पावर केबल है, एंड ये USB कनेक्टिविटी है जिसके थ्रू सी टाइप केबल है। इनफैक्ट ये आप चार्जर में लगा के इसे चार्ज करेंगे, आपके पास में जो एग्जिस्टिंग आपका मोबाइल चार्ज कर रहे होंगे सी टाइप का होगा, उससे भी आप इसको चार्ज कर पाएंगे, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के अंदर में। इस केबल को वहां भी यूज कर सकते हैं। ये विंड कटर है, आपको साथ में कैमरा के साथ आता है ये, साथ में आप
कैमरे पे लगाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे। वाओ, दिस इज कैमरा, दिस इज रियली पॉकेट कैमरा है गाइस, आपको दिख रहा होगा काफी छोटा है। इनफैक्ट इस तरह से तो पॉकेट में नहीं जाएगा, लेकिन लेंस अगर आप डिटैच कर लेते हैं इजिली आप इसको पॉकेट में डाल सकते हैं। काफी छोटा साइज है, मिररलेस है, लेकिन ये छोटा समझ के इसको छोटा नहीं समझेंगे। जबरदस्त टेक्नोलॉजी के साथ है, आपको 4K एंड बाकी चीजें आपको दिखाने वाले हैं। सो काफी सुंदर एंड कॉम्पैक्ट डिजाइन है। इसमें एक चीज आपको नजर नहीं आएगी, जो इसकी आई फोकस होती है वो नहीं है, जिसके वजह से ये छोटा हो गया है। तो इसकी LCD जो क्वालिटी है, LED की जो क्वालिटी है वो इनबिल्ट बहुत जबरदस्त है, जिससे आप सारी चीजें रियल देख पाएंगे। वो इनफैक्ट हम लोग करके देखेंगे कितना क्लियरिटी के साथ दिखता है, बिकॉज आई से रियल चीजें दिखती है। इसके वजह से आपको बैटरी बैकअप भी ज्यादा मिलने वाला है। सो गाइस इसको साइड करते हैं, एक बार कैमरा का डिटेल समझ लेते हैं कहाँ पे क्या पॉइंट है। इन चीजों को अभी कनेक्ट करते हैं साथ में। तो गाइस जैसा आप दिख रहा होगा, ये यहाँ पावर बटन आपको ऑन ऑफ शेप में दिया है। नॉर्मली पावर बटन यहाँ रहता है, बहुत सारे कैमरों में जो पहले से जो कैमरा आ रही है उसकी ऑन ऑफ की पोजीशन चेंज है। यहाँ जूम इन जूम आउट की फोकस है, कॉन्फिगरेशन बटन ये सारी दिख रही है कैमरा बोर्ड में, एंड मोड चेंजिंग के साथ में है। सो गाइज आप देख रहे होंगे जैसे कॉम्पैक्ट साइज है, इंटरचेंजेबल लेंस है। आप लेंस को निकाल के कोई भी साइज का लेंस आप यहाँ प्लग कर सकते हैं। अभी 1650 के साथ ये लेंस है, जो दो वेरिएंट में आता है, आप बॉडी एंड 1650 दोनों ले सकते हैं। एक 60,000-70,000 की प्राइसिंग में आती है, ये दो प्राइस में अवेलेबल है मार्केट में। जैसा आपको दिख रहा होगा बहुत जबरदस्त ग्रिप है, बहुत हैंडी है, आपके हाथ में ग्रिप में आ जाता है कम्फर्टली। यहाँ आपको बटन है जूम इन जूम आउट करने के लिए है, ये आपको पोजिशनिंग फोकस एंड डीफोकस, प्लस यहाँ से आप स्नैपशॉट लेंगे। डायरेक्ट बटन है वीडियो का, आप जैसे दिख रहे होंगे ऐसे पॉज एंड डायरेक्ट वीडियो ऑन कर लेंगे। और पावर बटन ऑन ऑफ है, मीनू है जो आप कॉन्फिगरेशन अपना प्रोफाइल सेट करेंगे डायरेक्टली यहाँ से ऑपरेट कर पाएंगे। इसके अलावा फोटो मोड में रहना है, वीडियो पे जाना है, SOS आपका जो क्विक सेटिंग है उसके अंदर में जाना है यहाँ से मीनू सेलेक्शन करने के लिए। नॉर्मली जो मीनू का बटन होता है रेस्ट ऑफ कैमरा में यहाँ बटन दिया रहता है, उन सब चीज़ को माइनस किया गया है, जिसकी इसकी साइज कॉम्पैक्ट साइज हो जाए। इसके अंदर में आई भी डिटेक्टर नहीं है जो सो गाइज एक चीज़ और आपको इस कैमरे में नजर नहीं होगी, जो व्यू फाउंडर होता है आइस के लिए यहाँ पे लगी रहती है, जो आप अलग से बाकी कैमरों में देखते होंगे, व्यू फाउंडर भी यहाँ पे नहीं है। इसके वजह से कैमरा काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज है, लेकिन ऐसा आप नहीं सोचेंगे कि व्यू फाइंडर में आप रियल इमेज देखते हैं, तो ऐसा आपको नहीं लगे कि इसके अंदर में रियल चीज़ें ना दिखेंगी। ये जो LCD आपको दिख रही होगी ये स्पेशल है, इसके अंदर में आपको जो LED फिटेड है, जो इसके अंदर ग्लास है, वो काफ़ी हाई रेजोल्यूशन का है। सो आपको काफ़ी नेचुरल एंड जेन्युइन रियल दिखने वाली है। सो गाइज इसका माइक्रोफोन बहुत ज़बरदस्त है, एज़ पर रिव्यू आपको 3 डायमेंशन लेफ्ट राइट है, एंड बैक साइड का भी साउंड लेता है, काफ़ी बढ़िया साउंड आता है इसके अंदर में। जो रिकॉर्डिंग साउंड है बहुत क्लियरिटी के साथ में है, अपन चेक करेंगे। फ्लैश आप यहाँ इंटीग्रेट कर सकते हैं, हालांकि यहाँ विंड भी माउंटिंग के लिए, स्क्रीन माउंटिंग के लिए भी दिया हुआ है। दो आपको दिख रहा होगा फ्लैप लगाने के लिए, जो फीता लगाएंगे जिससे आपको ग्रिप सेफ्टी व्यू के लिए। इस साइड में आपको अलग से माइक्रोफोन भी ऐड ऑन करना चाहेंगे, अदरवाइज इसका माइक्रोफोन बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आप माइक्रोफोन ऐड ऑन करना चाहेंगे तो यहाँ एक पोर्ट है माइक्रोफोन का, जैसा आपको दिख रहा होगा माइक्रोफोन ऐड ऑन कर लेंगे यहाँ से। इसके अलावा जो कनेक्टिविटी है, आपको सी टाइप पोर्ट दिख रहा होगा, जिससे आप USB स्ट्रीमिंग होने वाली है, जो मैं अभी करके दिखाने वाला हूँ आपको स्ट्रीमिंग कैसे वर्क करेगा। इसके अलावा HDMI पोर्ट है, जिससे आप डायरेक्ट लाइव कर सकते हैं किसी जगह कनेक्ट करके। इसके अलावा हेडफोन की माइक के जैक है, जैसे नॉर्मली हेडफोन आप यूज करते हैं, ये आपको हेडफोन आपको दिख रहा होगा, ये हेडफोन की डायरेक्ट जैक है, यहाँ पे डायरेक्ट प्लग कर लेंगे और हेडफोन आप यूज कर सकते हैं। नॉर्मली रिकॉर्ड करते समय आप ध्यान देते हैं कई बार क्या रिकॉर्ड हो रहा है, वो चीजें मॉनिटर करने के लिए, आपको मॉनिटरिंग पर्पज के लिए। एक कैमरे को देख के लगता है ईच एवरी पॉइंट का ध्यान रख के बना हुआ कैमरा है, हर किसी को सूट करने वाला है, चाहे आप ये ब्लॉगर हो, यूट्यूबर हो, या ऑनलाइन क्लासेस लेने वाले हो, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए कुछ यूज़ करते हो, हर पर्पज़ के लिए यूज़ करने वाले प्रोडक्ट के हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है, हर किसी को सूट करने वाला है, बहुत कॉम्पैक्ट प्राइसिंग के साथ में है, एंड वैल्यू फॉर मनी वाला प्रोडक्ट है। सो गाइस बहुत सारा डिटेल करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, जैसे और भी सारी मीनू है, ये कॉमन मीनू है, बहुत सारे कैमरे में आपको सेम दिखता होगा ये मीनू, आपको ऐसा नहीं है कि कुछ नया है, आप बाकी कैमरे में जैसे वैसे ही है, कुछ नया था मैंने आपको बता दिया है।
तो डायरेक्ट चलते हैं, आपको लाइव स्ट्रीमिंग करके एक बार दिखाते हैं कैसे इसका आप डायरेक्टली ऑनलाइन क्लासेस या लाइव स्ट्रीमिंग यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग क्लासेस यूज़ करते हैं जो उनको ज़रूरत पड़ता है माइक्रोफोन और इस तरह की चीज़ें लाइव वेब कैमरा की तरह, तो इसको कैसे वेब कैमरा बनाएंगे आपके लैपटॉप में, कैसे कनेक्ट करेंगे, उस पर जाते हैं सीधे, डायरेक्टली चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। गाइस सेटअप वन में आएंगे बिफोर आप वेब कैमरा बनाने से पहले, बिकॉज वेब कैमरा जब आप बनाएंगे तो हो सकता है 4 घंटा 10 घंटा आप कंटिन्यूस कैमरे को ऑन करेंगे, तो मेजर एक ऑप्शन है जिसको आप ऑन कर लेंगे, ये पावर सेटिंग ऑप्शन है, इसको ऑन करके आप स्टैंडर्ड मोड में आके यहाँ हाई कर देंगे। ये हाई टेम्परेचर में भी आपको अगर गर्म हो जाता है कैमरा फिर भी ऑफ नहीं होगा, अलार्म नहीं आएगा, अदरवाइज कैमरा ऑफ हो जाता है। नॉर्मली ये प्रोटेक्शन मोड है, आपको जैसे वीडियो शूट कर रहे हैं उस मोड में आपको यूज़, नॉर्मली वेब कैमरा में ऐसा कुछ होता नहीं है और वो कम्फर्टली चलता है, इसलिए इस मोड को रखने से आपको अलार्मिंग नहीं आएगा। इसके अलावा जो सेटिंग करना है उसके अंदर में आप मेनू के अंदर आके ऐड ऑन करेंगे, ऐड ऑन एक मेनू करना होगा जो मेनू आपको लाइव स्ट्रीमिंग से मतलब है, ये लाइव स्ट्रीमिंग वहाँ से ऐड ऑन कर लेंगे, 12 नंबर मेनू पे आएगा, वो स्ट्रीमिंग यूएसबी स्ट्रीमिंग ऑन कर लेंगे। ये स्ट्रीमिंग तभी आपको हाईलाइट होगा जब आप वीडियो मोड में होंगे, वीडियो मोड में नहीं अगर होंगे यहाँ से आप वीडियो मोड में कर लेंगे, वीडियो मोड में ऑन होने के बाद तब लाइव स्ट्रीमिंग ऑन कर पाएंगे। लाइव स्ट्रीमिंग अपन ऑन करते हैं, ये लाइव स्ट्रीमिंग कनेक्ट होने के बाद दिखता है कनेक्ट टू यूएसबी केबल एंड कैंसिल, अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो स्ट्रीमिंग मोड मुझे करना है, मैं इसको प्लग करता हूं सीधा डायरेक्टली। स्ट्रीमिंग लाइव स्ट्रीमिंग चालू हो गया है, इसको प्लग सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर में कोई सॉफ्टवेयर नहीं डालना है, ऑटो मोड में कनेक्ट हो जाता है सॉफ्टवेयर, आपके कैमरे के थ्रू ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है, सो कोई सेटअप नहीं करना है। माइक्रोसॉफ्ट मीट मैं ऑन कर लिया हूँ, यहाँ आपको नॉर्मल गाइज आपको पता होगा कोई भी हैंडी कैमरा जो NS200 या उससे बड़ी जो कैमरा लगाते हैं उसके लिए वीडियो कैप्चर कार्ड लगाना पड़ता है, उसमें आपका कैमरा प्लग होता है, उसके बाद आपकी पीसी से कनेक्टिविटी होके फिर लाइव स्ट्रीमिंग कर पाते हैं। इस कैमरे में JV10 में आप डायरेक्ट USB आपको दिख रहा होगा, डायरेक्ट USB प्लग किए, कोई कैप्चर कार्ड नहीं लगाना है, कोई झंझट का काम नहीं करना है, कोई ड्राइवर का जरूरत नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर लोड नहीं करना है, सो डायरेक्टली आप लाइव स्ट्रीमिंग यूज़ कर पाएंगे। सो अपने आप में ज़बरदस्त है, वेब कैमरा ऑटो मोड में बन जाता है। सो गाइस चलते हैं आउटसाइड में, आपको बाकी चीज़ें ब्लॉगर कैसे यूज़ करना है, क्या फोकसिंग है, क्या इसकी क्वालिटी। सो गाइस आप सिंगल हैंड से आप अपने ब्लॉगर कैमरा को यूज़ कर सकते हैं, कोई मैन पावर की ज़रूरत नहीं है, वन टच आपको फोकस एंड डिफोकस होता है, एक बार करके आपको दिखाता हूँ। जस्ट अपने फेस पे मैं क्लिक करूँगा, ये फोकस मेरे फेस पे करता है एंड इसके बैकग्राउंड को फोकस करने के लिए मैं जस्ट इसके बैकग्राउंड को टच करूँगा, आप देखिए वहाँ क्लियरिटी बढ़ जाती है। सो अल्टीमेट है, वन टच है, बहुत सारा आपको नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी गोइंग वाला कैमरा है, आपको जस्ट लेना है, स्टार्ट कर देना है, कोई टेक्नोलॉजी और कोई नॉलेज की ज़रूरत नहीं है पढ़ने। सो गाइस ये कॉम्पैक्ट साइज के अलावा जैसे मैंने बताया था आपको पॉकेट फ्रेंडली कैमरा है, आप पॉकेट के अंदर डाल सकते हैं इस कैमरे को, इसकी साइज आपको जैसा दिख रहा है, इसमें आपको सामने विंड के साथ में सेटअप किया हुआ है, आप विंड कटर के साथ स्क्रीन लग जाती है। ये इतनी छोटे कॉम्पैक्ट साइज में ऑलमोस्ट सारी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड की हुई है, जैसा आपको दिखाया हेडफोन की भी जैक है, माइक की भी जैक है इसके अंदर में, आप हर वो चीज़ कर सकते हैं। कैमरा का जो वीडियो क्वालिटी है वो अल्टीमेट है, आपको वीडियो मैंने डाल रखा हूँ, मैं देखिएगा आपको वीडियो क्वालिटी आप देख रहे होंगे ज़बरदस्त क्वालिटी के साथ है, स्नैप भी स्क्रीन की फ़ोटो भी ज़बरदस्त आती है। आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए, आप यूट्यूबर ब्लॉगर नहीं है, अपने पर्सनल यूज़ के लिए कैमरा खरीदना चाहते हैं, ये कैमरा बहुत बढ़िया है। ब्लॉगर यूट्यूबर के लिए तो इसके अलावा कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको इससे ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे मार्केट में कैमरा है आपको कंपटीशन में, लेकिन कोई भी इसके आजू बाजू पैरेलल में कैमरा नहीं है जितनी क्वालिटी एंड क्लियरिटी के साथ ये कैमरा है। आपको हर एक चीज़ इसमें मिल जाती है, हर आपको इंटरव्यू लेना है उस तरह की चैनल चलाते हैं, चैनल में कई बार क्या होता है माइक की ज़रूरत पड़ती है, इंसर्ट कर हर पर्पस को सॉल्व करने वाला है आपका, क्लासेस ऑनलाइन चलाते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग पे रहते हैं हमेशा, आपको इस तरह का क्लास यूज़ करते हैं, मीटिंग में होती हैं, हर पर्पस को सॉल्व करने वाला है ये कैमरा। सो गाइस मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।